उपस्थित सभी अतिथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की गौरवशाली इतिहास एवं अप्रतिम कार्यक्षमता से अवगत कराने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वे अपना ध्यान मंच के दाहिनी ओर लगे पटल पर केंद्रित करें, जहाँ मानेसर स्थित 102 क्वार्टर्स के आवासीय कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण की शुरुआत 11 अगस्त 2017 को CPWD द्वारा की गई। यह एक 9 मंजिला इमारत है जो 25 करोड़ रुपए की लागत से बनी है तथा इसमें 102 टाइप 3 क्वार्टर्स हैं, जो शहरी विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार बनाए गए हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वे एनर्जी कैंप मानेसर स्थित 102 क्वार्टर्स के आवासीय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करें। महोदय, 28 SCG की स्थापना 1 जुलाई 2009 को हैदराबाद में की गई थी। वीडियो पटल पर दर्शाया जा रहा हैदराबाद हब का केंद्रीय विस्फोटक आयुध भंडार, जिसके निर्माण की शुरुआत 15 जनवरी 2019 को CPWD द्वारा की गई थी। 3 करोड़ की लागत का यह भंडार 306 वर्ग मीटर में फैला है तथा सभी आवश्यक सुरक्षा निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। महोदय से निवेदन है कि 28 SCG रीजनल हब हैदराबाद में स्थित आयुध भंडार का उद्घाटन करें। महोदय, 27 SCG की स्थापना 1 जुलाई 2009 को चेन्नई में की गई। मंच के दाहिनी ओर लगे पटल पर दर्शाया जा रहा चेन्नई हब का 64 क्वार्टर का यह कॉम्प्लेक्स, जिसका निर्माण CPWD द्वारा 14 जनवरी 2020 को प्रारंभित किया गया। यह परिसर 26.3 करोड़ की लागत का है तथा इसमें 40 टाइप 2 क्वार्टर्स, 19 टाइप 3 क्वार्टर्स, 4 टाइप 4 स्पेशल क्वार्टर और 1 टाइप 5 क्वार्टर शामिल है। महोदय से अनुरोध है कि 64 क्वार्टर्स के आवासीय कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करें। महोदय, 26 SCG की स्थापना 1 जुलाई 2009 को मुंबई में की गई। वीडियो पटल पर दिखाया जा रहा मुंबई हब का 68 क्वार्टर्स का कॉम्प्लेक्स, जिसके निर्माण की शुरुआत CPWD द्वारा की गई। यह परिसर 29.7 करोड़ की लागत का है तथा इसमें 42 टाइप 2 क्वार्टर्स, 20 टाइप 3 क्वार्टर्स, 5 टाइप 4 स्पेशल क्वार्टर्स और 1 टाइप 5 क्वार्टर शामिल है। महोदय से अनुरोध है कि 68 क्वार्टर के आवासीय कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे श्री अतुल कुमार रस्तोगी, अतिरिक्त महानिदेशक CPWD एवं उनकी समस्त टीम के उत्कृष्ट योगदान हेतु उनका सम्मान करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सभा को संबोधित कर इसका गौरव बढ़ाएं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी।
छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेरे साथ मंच पर उपस्थित एनएससी के महानिदेशक श्री अनुप कुमार सिंह जी, मेजर जनरल विजय जी और आज यहां पर उपस्थित एनएससी के सभी जवानों, परिवारजनों, पश्चिम बंगाल सरकार के सभी अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, देश भर में फैले सभी जवानों को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत गौरव और हर्ष का विषय है कि एनएससी के लिए जिस प्रकार की सुविधा उनको निश्चिंत होकर काम करने के लिए चाहिए, वो सुविधा की पूर्ति में आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ ढेर सारी लगभग 245 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन एक ही कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। 29 एससीजी कोलकाता का ये भव्य परिसर का लोकार्पण हो रहा है, मानेसर में 102 क्वार्टर, हैदराबाद में आलू भंडार, चेन्नई में 64 क्वार्टर और मुंबई में 68 क्वार्टर की आवासीय योजना का लोकार्पण हो रहा है। मैं आज इस अवसर पर एनएससी के सभी जवानों को इतना ही सुनिश्चित करना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर एनएससी ने भारत सरकार से जो अपेक्षाएं रखी हैं, वो सारी की सारी अपेक्षाओं की पूर्ति मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सुनिश्चित रूप से करेगी और इसको परिपूर्ण व्यवस्था वाला कमांडो फोर्स बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था परिजनों के अच्छे निवास के लिए हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हो, आपकी ट्रेनिंग के लिए हो, अत्याधुनिक साधनों की उपलब्धि के लिए हो, विश्व भर की आतंकवाद के क्षेत्र में होती हुई घटनाओं का विवरण आपको उपलब्ध कराने के बारे में हो, या विश्व भर में अलग अलग तकनीक जो आतंकवादियों ने प्राप्त की है उस तकनीक से 2 कदम आगे रहे, इस प्रकार की तकनीक उपलब्ध कराना, इस सारे क्षेत्र के अंदर भारत सरकार निश्चित रूप से दुनिया से 2 कदम आगे एनएससी को रखना चाहती है और मुझे भरोसा है कि इसको हम एक निश्चित कालखंड के अंदर सिद्ध करेंगे। एनएससी ने अपनी स्थापना से आज तक अपने जवानों के सर्वोच्च बलिदान के से न केवल सरकार, देश और दुनिया में और विशेषकर भारत की जनता में एक भरोसा अर्जित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। सदैव अहर्निश 365 दिन 24 घंटा मुस्तैद रहकर देश पर आने वाले किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना, अपने आप को तैयार रखना और जब खतरा आता है तब जान की परवाह करे बगैर वहां पर पहुंचकर वो खतरे को निपटना और आतंकवादियों को परास्त करना। बहुत अच्छा एक काम का उदाहरण एनएससी ने अपने स्थापना काल से आज तक दिया है। इसीलिए जब देश का कोई भी नागरिक महसूस करता है देश सुरक्षित है, आतंकवाद का देश पर कोई खतरे का अनुभव देश का नागरिक नहीं करता है, तो ये सुरक्षा की गारंटी का दूसरा नाम है एनएससी। एनएससी के भाव कोई भाषण से या कोई बात से या कोई वचनों से नहीं होता है, एक लंबे कालखंड तक, एक लंबे समय तक दिन रात अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में से पूरा समय देश की सुरक्षा में कोई देता है, एक जवानों का समूह देता है, तब जाकर होता है।
मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपको अच्छे आवास दे सकते हैं, आपको अच्छी सुविधा दे सकते हैं, आपके परिवार की सभी प्रकार की चिंता भी सरकार कर सकती है, आधुनिक से आधुनिक आयुध भी आपको दे सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं, परंतु युद्ध तो जज्बे से जीता जाता है, आयुधों से और टेक्निक से नहीं जीता जाता। जब जंग के मैदान में आमना सामना होता है तब जवान का जो जज्बा होता है वो जज्बा ही विजय दिलाता है। आयुध और टेक्निक का एक प्रकार से एक रोल होता है, परंतु विजय जज्बे से मिलती है। तो मैं आज एनएससी के डीजीपी यहां बैठे हैं, आईजीपी यहां बैठे हैं, दोनों को जरूर कहना चाहूंगा कि आयुध और टेक्निक, शस्त्र और टेक्नोलॉजी ये जज्बे को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो जवान आपके हवाले किया जाता है, चाहे किसी भी फोर्स का हो, सेना का हो, उसको आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का और दुश्मन को मिनिमम नुकसान के साथ मार गिराने का जज्बा देने का काम, उसको ट्रेन करने का काम एनएससी का है। और मुझे लगता है इसमें एनएससी ने अब तक काफी किया है, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, देश के दुश्मन भी जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, घृणा फैलाना चाहते हैं देश और दुनिया में, वो भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि एनएससी में अपने आप को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुंबई हमले के बाद एनएससी का विस्तार करने का निर्णय किया, बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल के साथ एनएससी ने उसको देश के सभी कोनों में अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराई है, और आज ये सुविधाएं जो होने जा रही है इसे बहुत मजबूत तरीके से पूरे देश की सुरक्षा को कोऑर्डिनेट करने में एनएससी को फायदा मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एक पॉलिसी अपनाई है, ये पॉलिसी का निर्वहन करने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनएससी की है। और मित्रों मैं इतना निश्चित मानता हूं, अनुप जी ने बताया कि 115 जगह पे एनएससी ने एंगेज किया है, ढेर सारे एनएससी के जवान भी शहीद हुए, आतंकवादियों को भी मार गिरा है, परंतु मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी उपस्थिति का परिचय ही ऐसा हो कि आते वक्त ही डर लगे और आना ही छोड़ दे, इस प्रकार की उपस्थिति एनएससी की एक क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। जिनके मन में देश को तोड़ने का विचार है, जिनके मन में देश को क्षति पहुंचाने का विचार है, देश की शांति को भंग करने का विचार है, इसके मन में एक भय एनएससी की उपस्थिति का खड़ा करने का काम एनएससी का है। और अगर फिर भी आते हैं तो उनके साथ लड़कर उनको पराजित करने की भी जिम्मेदारी एनएससी की है। नरेंद्र मोदी सरकार जब से बनी तब से सुरक्षा बलों के लिए ढेर सारी चीजें, ढेर सारी सुविधाएं हमने एक के बाद एक शुरुआतें कर दी हैं, चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो, चाहे सेटिस्फेक्शन रेशियो की दिशा में बहुत बड़ा अचीवमेंट करने की नीति हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर ये दोनों कदमों का जो राजनीतिक निर्णय और हमारे जवानों ने जो साहस दिखाया, इसके कारण मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत का नाम आज पूरे विश्व के अंदर सम्मान के साथ लिया जाता है कि भारत एक देश है, अपने जवानों के खून का बदला अंदर जाकर, घर में जाकर लेने की सक्षमता रखता है और लेकर भी आता है। जब तक सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुए उसके पहले पूरी दुनिया में दो ही देशों का नाम था, अमेरिका और इजराइल, जो अपने जवानों के खून के कतरे कतरे का बदला लेना जानते थे और घर के अंदर जाकर जिन्होंने हिमाकत की है उसको दंडित करने का कौवत रखते थे। मगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होने के बाद मैं मानता हूं ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश
महान भारत का जोड़ने का काम हमारे और इसी के परिणाम स्वरूप एक प्रोएक्टिव सुरक्षा नीति जिसकी बहुत समय से देश राह देख रहा था वो आज देखने को मिल रही है। इतने लंबे समय तक 70 सालों तक देश की सुरक्षा नीति और देश की विदेश नीति के अंदर इतना घालमेल रहा कि सुरक्षा नीति क्या है वो कोई स्पष्टता के साथ समझ ही नहीं पा। मोदी जी के आने के बाद विदेश नीति और सुरक्षा नीति के बीच में जो बारीक भेद रेखा थी इसकी जगह सुस्पष्ट दोनों नीतियों को अलग कर दिया गया। हम विश्व भर में शांति चाहते हैं। भारत ने कभी 10,000 साल के इतिहास में किसी पर आक्रमण नहीं किया। विश्व भर में हम शांति चाहते हैं मगर हम हमारी शांति में खलल भी किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। हमारे किसी भी सीमा का उल्लंघन किसी ने किया, हमारे जवान के हताहत अगर किसी ने किया तो उसका नुकसान उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की सुरक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद पहली बार बनी। अनुप जी ने कुछ चीजें मेरे सामने रखी है, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि अनुप जी आप मेरे मन में है इससे बहुत कम मांगे हैं। मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की मोदी सरकार की ये प्रायोरिटी है कि जो देश की सुरक्षा कर रहा है वो जवान के परिवार के कल्याण के लिए, वो जवान के परिवार के स्वास्थ्य के लिए, इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जितना भी करना चाहिए वो सभी करने के लिए हम तैयार हैं। हम हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी बहुत जल्द इम्प्रूव करेंगे। हम जवानों को परिवार के साथ रहने का एक सुनियोजित सिर्फ एनएसजी नहीं हर सुरक्षा बल के जवानों को अपने परिवार के साथ कम से कम 100 दिन रह पाए इस प्रकार की एक व्यवस्था इस प्रकार का एक चक्र खड़ा कर रहे हैं जिससे जवान अपने परिवार के साथ कम से कम 100 दिन तक रह पाए। ढेर सारी सुविधाएं सुरक्षा बल जहां तैनात है वहां पर भी हम करना चाहते हैं और इसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम भी बना लिया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी मैं खुद मेरी निगरानी में देख रहा हूं। मैं इतना ही भरोसा एनएसजी के जवानों को दे सकता हूं कि आप जिस मुस्तैदी के साथ देश की सुरक्षा कर रहे हैं उससे अधिक मुस्तैदी के साथ आपके परिवार की चिंता नरेंद्र मोदी सरकार और भारत सरकार करेगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का आप सभी को वादा है। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, काउंटर हाईजैक ऑपरेशन, प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी, ये सभी काम जो आपने किए हैं इसके साथ साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन के टाइम में किस प्रकार से कमी लाई जाए उसको भी एनएसजी ने इस दिशा में भी काफी काम करने की जरूरत है। मैंने दो ऑपरेशन को बड़े नजदीक से देखा है, अक्षरधाम का ऑपरेशन और मुंबई हमले का ऑपरेशन। ये दोनों ऑपरेशन के वक्त मैं गुजरात में गृहमंत्री था, मैंने दोनों ऑपरेशन को बहुत नजदीक से देखा है। आज के जमाने में जो इतना बड़ा हमला करने आता है वो तो मृत्यु तय कर ही आता है, उसका मरना तय है वो समझ कर आता है, परंतु उसका लक्ष्य होता है कि 130 करोड़ के देश के अंदर लंबे से लंबे समय तक आतंक का भय फैलाया जाए। तो हमारी विजय उसी में है कि कम से कम समय में कम से कम हमारे नुकसान के साथ उनका समाप्ति करना, उनके अभियान का खात्मा करना, इस प्रकार की ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए। और मैं मानता हूं इसमें एनएसजी ने काफी कुछ करने की जरूरत है। हमारी रणनीति में भी बदलाव करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में भी बदलाव करना पड़ेगा और जवानों की प्रायोरिटी में भी ट्रेनिंग के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में जो कोई भी घटना होती है वो किसी से छिपती नहीं है। 130 करोड़ के देश के सामने वो घटना ऐसे ही पहुंच जाती तो उसका समय मिनिमम करना, कम से कम समय के अंदर उसको समाप्त कर देना,
वो मैं मानता हूं उनका पराजय है, हमारा विजय है। उनका पराजय कम से कम समय निर्भर करने का लक्ष्य लेकर एनएससी की पूरी ट्रेनिंग के डिजाइन को भी मुझे लगता है कि बदलना चाहिए। अमृतसर में अश्वमेध, अक्षरधाम में व्रत शक्ति, 26/11 में ब्लैक थंडर और पठानकोट जैसी जो कार्रवाई हुई है उससे देश की समस्त जनता एनएससी पर गौरव करती है और अपने आप को एनएससी की उपस्थिति से सुरक्षित मानती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब देश के कोने कोने में एनएससी की उपस्थिति है, कहीं पर भी कुछ भी होता है तो कुछ घंटों के अंदर ही एनएससी वहां पर पहुंच सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था हम खड़ी करने में सफल हुए। एनएससी के जवानों ने ढेर सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ संयुक्त अभ्यास भी किए हैं, अपनी निपुणता को बढ़ाया है। एनएससी ने विश्व के सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है और 11 पर्वतारोहियों ने वहां पर अपने प्यारे तिरंगे को फहराया है। इसके लिए मैं एनएससी को विशेष बधाई देना चाहता हूं और मैं आज आप सभी को ये कहता हूं कि आपके बलिदान, त्याग, तपश्चर्या और शौर्य ने आज एनएससी को विश्व की जानी मानी काउंटर टेरर फोर्स में आपको स्थान दिलाया है। ये न केवल आपके लिए गौरव है, गृहमंत्री नाते मेरे लिए, देश के प्रधानमंत्री नाते मोदी जी के लिए और समस्त देश की जनता के लिए आपकी ये पहचान हम सब के लिए गौरव है और हम इसका गौरव का अनुभव बार बार करते रहते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई इसका विश्लेषण करे तो कार्यक्रम बहुत छोटा है, मगर ये कार्यक्रम उन लोगों के बीच में है जो 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन के उत्तम पल दे रहे हैं। जरूरत पड़े तो सर्वोच्च बलिदान, जान का बलिदान देने की तैयारी में सदैव रहते हैं। तो मैं सभी नामी अनामी वीरों को मेरी सलाम करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है कि आज जो सुविधा खड़ी होने जा रही है, जो सुविधा खड़ी हुई है, इससे आपके जीवन में जरूर कुछ परिवर्तन आएगा और आपकी दक्षता भी बढ़ेगी और आपका समर्पण भाव भी बढ़ेगा। फिर एक बार एनएससी के डीजी, आईजी और सभी देश भर में बैठे एनएससी के जवानों को मैं शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।